हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम होगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। यानी केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, तो हमारा टॉपिक है आज आपका रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये केपी केसी में रिलेशन होता क्या है, ये आज हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हम लगातार आपको वो दे रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपके साथ एक टॉपिक 11th क्लास का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशन होता क्या है, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि केसी इज़ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस स्टेट आर इन लिक्विड स्टेट। केपी इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस स्टेट। तो दोनों, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये दो इक्वेशन मैंने तैयार कर दी। अब हम लोग करते क्या है, आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि PV इज इक्वल टू, अगर गैस फॉर्म में है तो PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये आपने पढ़ रखी है। अगर हम लोग इसे ऐसे लिखें कि P इज इक्वल टू n अपॉन vRT, तब भी कोई दिक्कत नहीं, V को हम नीचे ले आए हैं और n अपॉन V जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, जिसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी तरीके से हम इसे ऐसे लिखें कि P इज इक्वल टू cRT लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, या ब्रैकेट RT भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट किसी की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम पार्शियल प्रेशर A का निकालते हैं तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A RT हो जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर B का निकालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ B RT हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन C का निकालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ C CRT हो जाएगा, CRT हो जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन D का निकालते हैं तो DRT यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस फॉर्म में लिखते हैं तो गैस में प्रेशर PA, प्रेशर PB, प्रेशर PC, प्रेशर यानी ABCD का प्रेशर क्या होगा, जो हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले रखे वो हमने यहाँ लिख दिए। अगर इसी वैल्यू को उठाकर, यानी पुट द वैल्यूज ऑफ A, PA, PB, PC इन इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो KP इज इक्वल टू हो जाता है, PC की वैल्यू हो जाएगी आपकी C की पावर C इंटू RT की पावर C मल्टीप्लाइड बाई D की पावर आपका D की पावर D इंटू RT की पावर यहाँ पर D हो जाएगा। नीचे अगर आप आ जाइए तो यहाँ पर A की पावर A और RT की पावर आपका RT की पावर A हो जाएगा इंटू B की पावर B आ जाएगा और RT की पावर आपका RT की पावर B हो जाएगा। तो KP इज इक्वल टू हो जाता है C की पावर हो जाएगा C, D की पावर हो जाएगा आपका D, नीचे आ जाएगा A की पावर A और B की पावर यहाँ पर B, और मल्टीप्लाई में ऊपर आप जानते हैं कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो RT की पावर ऊपर आ जाएगा आपका C प्लस D और नीचे RT की पावर आपका A प्लस B आ जाता है। इस तरीके से सिचुएशन बैठती है। अब यहाँ पर KP इज इक्वल टू, अब इसे जानते हैं, इस फैक्टर को KC बोल सकते हैं क्योंकि इसे इक्वेशन नंबर 1 से मैच कर लीजिए, इनटू RT और पावर्स ऊपर जाती हैं तो यहाँ C प्लस D हो जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस में A प्लस B हो जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन बैठेगी। अब अगर हम लोग डेल्टा NG यानी गैसेस स्टेट में से ले लेते हैं तो C प्लस D नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो इसे हम डेल्टा NG का मतलब गैसियस है, तो KP इज इक्वल टू हो सकता है KC इंटू RT की पावर डेल्टा N। सपोज में G लगा सकते हैं, नहीं भी G लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखा रहेंगे, कुछ किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये हो गया, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N हो गया। तो ये हमने बनाया कि रिलेशन होता क्या है KP और KC। बड़ा सिंपल मेथड है कि रिलेशन निकालते कैसे, दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर A मोल A के लिए, B मोल B के लिए, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखना है तो C मोल C के बन जाते हैं और D मोल D के, सभी गैसेस फॉर्म में है तो KP इज इक्वल टू C की पावर C हो जाता है, D की पावर D हो जाता है, A की पावर A और B की पावर B, और KP अगर गैसेस फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो ये हमने इस तरीके से ये कंडीशन ले ली। अब यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन से आप जानते हैं, इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम आइडियल
गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से क्या निकलेगा ये आप जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PB इज इक्वल टू NRT होती है। इसकी मदद से हमने PA यानी प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया सभी का, उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट कर दी और आपने आसानी से आंसर ये निकाल लिया है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KP और KC, यानी KP KC में रिलेशन होता क्या है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं केपी केसी के रिलेशन की, ये वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो 11th क्लास के बच्चे भी अपनी तैयारी बरकरार रखें, बनाए रखें। तो अगर ये तैयारी आपको कंप्लीट करनी है और आपको अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मेंटेन करना है, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। थैंक यू।